गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन टुडेज़ ऑनलाइन क्लास। इन प्रीवियस क्लास हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मैंने कहा था आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तीन तरह के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट इज हर्ब्स। क्या है? हर्ब्स यानी जो हरे रंग के होंगे उनको हम क्या कहेंगे? हर्ब्स। द स्मॉल प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जिन प्लांट की जो स्टेम है बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तुलसी है ना, मिंट, कोरिएंडर। अब देखिए मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये क्या है आपका? ये देखिए, ये यहाँ ध्यान से देखिए, ये है आपका कोरिएंडर, धनिया। अब ये देखिए ये कैसा है? ग्रीन है और ये कितना सॉफ्ट है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो ये कौन से हैं? हर्ब। और जैसे आपने घास भी देखी है, जो घास होती है ग्रीन कलर की, वो भी आप देख से बीच में से इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। फिर आपका एक होता है पालक, स्पिनच। ये भी देखिए, ये भी कैसा है, स्पिनच पालक दिख रहा है और इसकी पत्ती भी देखिए कितनी सॉफ्ट है। ये सब क्या है? हर्ब्स हैं। तो हमने जो सॉफ्ट स्टेम के होते हैं उनको क्या कहते हैं? हर्ब्स। और मिंट यानी पुदीना, पुदीना भी आपने देखा आसानी से जिसकी चटनी बनती है वो आसानी से तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज श्रब्स। हर्ब्स मतलब जो हरे थे और श्रब्स मतलब जो थोड़े आपको सूखे लगेंगे। द प्लांट्स विद थिक वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब। जिन प्लांट्स की जो स्टेम पोर्शन, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली स्टेम पोर्शन, ये वाली जो थोड़ी सी मोटी होती है वो और ब्राउन होती है, उनको क्या कहते हैं? श्रब्स। कौन कौन से? रोज़। आपने रोज़ का प्लांट देखा है, रोज़ की जो स्टेम पोर्शन है, जो डंडी है, वो क्या होती है? थोड़ी हार्ड होती है, आप लोगों से आसानी से नहीं टूटती। हिबिस्कस यानी जो गुड़हल का पेड़ है, उसको भी आपने देखा है, उसकी जो स्टेम का पोर्शन है वो हमारी इस हर्ब की तरह आसानी से ऐसे करने से आपसे नहीं टूटता। जैसे इसको देखिए मैं आसानी से मोड़ सकती हूँ, वैसे उसका नहीं टूटता। तो उनको क्या कहते हैं? श्रब्स। तो फर्स्ट वॉज हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब जो ग्रीन है, श्रब्स मतलब जो ग्रीन है लेकिन वो थोड़े से उनकी जो स्टेम है वो क्या है? थोड़ी सूखी हुई है। ओके, उनके कौन कौन से एग्जांपल हैं? रोज़ है, हिबिस्कस है, कॉटन। उसके बाद हमारे जो मेन है वो है हमारे ट्रीज। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विद थिक वुडी ट्रंक्स आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज तो यानी पेड़। पेड़ आप सबने देखे हैं, कौन कौन से पेड़ होते हैं? मैंगो है, पीपल है, नीम है, बहुत सारे पेड़ आपको चारों तरफ आपके घर के दिखाई देते हैं, गुलमोहर है। इनका क्या होता है? जो ट्रंक पोर्शन, जो तने का पोर्शन, जो यहाँ पे देखिए ये जो तने का पोर्शन, ये बहुत मोटा होता है। नीम का भी देखा है आपने, बहुत मोटा होता है। आम का भी देखा है, बहुत मोटे होते हैं। और ये क्या होते हैं? ट्रीज़ होते हैं और ये स्ट्रांग होते हैं, आसानी से नहीं टूटते। हर्ब को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, श्रब थोड़े सूखे होते हैं तो उनमें टाइम लगता है, लेकिन जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ गार्डनर पुल आउट अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम द सॉयल, ऑब्जर्व इट पार्ट्स। मैंने अभी आपको एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स दिखाए थे, है ना, तो अभी एक बार हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी डिटेल में हमने मैंने बताया भी था, फिर भी पढ़ लीजिए। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉयल इज नोन एज द शूट। अभी मैं फिर से आपको बताती हूँ, ये देखिए ये आपका प्लांट था। ओके, अब इस प्लांट के दो पार्ट हैं, जो नीचे ज़मीन के नीचे है इस पोर्शन को क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं? रूट। और जो यहाँ से लेके ऊपर तक का, इसको क्या कहते हैं? शूट। फिर से समझ आया? पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लोग, इतना पोर्शन जो ज़मीन में है वो रूट और ऊपर का पोर्शन शूट, तो इसको रूट और शूट। द शूट हैज़, अब शूट में क्या क्या चीज़ें थी मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, ब्रांचेस थी, लीव्स थी, बर्ड्स थे, फ्लावर्स थे और फ्रूट्स थे। आप इसमें फिर से देख सकते हो क्या क्या था, जो रूट पोर्शन है उसमें खाली रूट्स हैं, शूट पोर्शन में क्या क्या था? स्टेम था, ये आपको दिख रही है, फ्रूट, ये गेंदे का प्लांट है इसलिए इसमें नहीं दिख रहा, ये आपकी ब्रांचेस हैं, दिख रही हैं आपको ये ब्रांचेस, और फिर ये आपकी क्या है? लीव्स हैं, और ये क्या है आपकी? देखिए बर्ड है, और ये बाद में बड़ी होकर क्या हो जाएगी? फ्लावर। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जब अलग अलग, कल हम जो पार्ट्स के प्लांट हैं, पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रूट से। वो हम लोग अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी
उसमें पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा है। ओके, और तब तक आप सिर्फ तीन चीज़ याद रखेंगे, कौन कौन सी, मेन थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और इस लेसन की आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, कहाँ से, टाइप्स ऑफ प्लांट की और पार्ट्स ऑफ प्लांट की, ये रूट पोर्शन, ये शूट पोर्शन। तब तक आप लेसन की रीडिंग करिए एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू चिल्ड्रन।